नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय में जो है वो क्लर्क और चौकीदार की जो है पोस्टें निकली हैं, ये सार्वजनिक सूचना जो है आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय में विधि अधिकारी द्वितीय श्रेणी, सहायक पुस्तकालय कनिष्ठ अनुवादक और लिपिक तृतीय तथा चौकीदार चतुर्थ श्रेणी स्थायी रिक्त पद की आधार पर सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो ये पोस्टें, तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है वो 8 जुलाई 2019 है। अस्वीकार हुए आवेदन पत्रों बारे उम्मीदवारों को सूचित करने की तिथि 9 जुलाई को है। जो रिजेक्ट होगी लिस्ट, उनकी 9 जुलाई को जो लिस्ट पड़ेगी। तो ये है लिखित परीक्षा की तिथि व समय भी इसका बता दिया गया है। विधि अधिकारी की जो लिखित परीक्षा है वो 13/7/2019 को 11 से 1 बजे तक होगी, और जो लाइब्रेरियन सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष है उसकी 14/7/2019 को 3 से 4:30 बजे तक होगी, और जो कनिष्ठ अनुवादक है उसकी 14/7/2019 को 12:30 से 2 बजे तक होगी, और जो लिपिक है उसकी 14/7/2019 को 10 से 11:30, और चौकीदार की 13/7/2019 को 3 PM to 4 PM हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर शिमला 4 में जो है ये सभी एग्ज़ाम जो है होंगे। तो ऑनलाइन आवेदन हिमाचल प्रदेश विधानसभा ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आप दे सकते हैं, और आयु जो है वो 18 से 45 तक होना जो है इसकी ज़रूरी है, और जो वेतन है वो है विधि अधिकारी द्वितीय श्रेणी वेतनमान 10,300 से 34,800 प्लस 4400 ग्रेड पे। सामान्य श्रेणी के लिए 1 पद है इसका, और जो शैक्षणिक योग्यता है वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून लॉ में व्यावसायिक डिग्री, जो लॉ में आपकी डिग्री होनी चाहिए। अधिक अभ्यास अधिव्यक्ता रूप से कम 3 वर्ष का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के सभी रीति रिवाजों बोली व भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो भर्ती संबंधी प्रक्रिया जो है उसमें होगा आपका रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट 100 मार्क्स का, 2 हाउस का 2 घंटे का होगा, 80 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फीस जो है इसकी जनरल के लिए 600 रुपये है, और SC ST के लिए जो है वो है 150 रुपये, और जो सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष तृतीय श्रेणी है उसका जो वेतन है उसका है 1910 से 20,200 प्लस 2400 GP। तो इसका जो 1 पद है सामान्य श्रेणी के लिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा के साथ +2 3 होना चाहिए। और इसके बाद जो है वो है अनुवादक तृतीय श्रेणी, वेतन जो है इसका 1810 से 20,000 प्लस 2500 ग्रेड पे। 1 पद, कुल 2 पद हैं, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए है, और 1 पद सामान्य श्रेणी भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के लिए जनरल। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी व अंग्रेजी विषयों सहित स्नातक, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय तथा कला विज्ञान वाणिज्य LLB में स्नातक होना चाहिए। रिटन टेस्ट में इसके 85 मार्क्स होंगे, 90 मिनट का जो है वो पेपर होगा, और जो इसकी फीस है जनरल के लिए 400 रुपये, और 100 रुपये कैटेगरी वालों के लिए है। और जो लिपिक तृतीय श्रेणी है उसका ग्रेड वेतन जो है 1810 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे। 1 पद है इसका OBC के लिए, भूतपूर्व सैनिक आरक्षित के लिए। तो इसकी क्वालिफिकेशन है केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा पास की होनी चाहिए। अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट या टंकण गति, या हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए। तो इसमें टाइपिंग भी होगी आपकी। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है आपका 90 मिनट का होगा, 85 मार्क्स का जो है आपका पेपर होगा। फीस है इसकी भी 400 रुपये जनरल, और कैटेगरी में है 100 रुपये। और जो चौकीदार है चतुर्थ श्रेणी, वेतन है इसका 4,900 से 10,680 प्लस 1300 ग्रेड पे। तो कुल पद हैं इसके 2, 1 पद है सामान्य श्रेणी और 1 पद है अनुसूचित जाति
एससी भूतपूर्व सैनिक के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तो इसका भी 85 मार्क्स का रिटर्न होगा, 90 मिनट होंगे उसके लिए। फीस है इसकी 200 रुपये और 50 रुपये कैटागरी वालों के लिए। ये थी दोस्तों इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। आप जो है 8 जुलाई तक यहाँ आवेदन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।